तो यहाँ हमारा चिकन रोस्टेड होने की तो कैसे यहाँ पर हम लोग फ्रिज बनाते हैं वो दिखाते हैं आप लोगों को। मैं कश्मीर से लग रहा है कश्मीर से। दोस्तों वेलकम टू माय अदर व्लॉग। बहुत टाइम बाद, नहीं कह सकते मैं व्लॉग तो डे बाय डे कंटिन्यू आई रहा, मिनी व्लॉग वगैरह कुछ भी हो। तो आज हम लोग चल रहे हैं कैंपिंग पे, लगभग 2 से 3 डेज कैंपिंग होगी। बहुत बहुत मजा आने वाला है। अभी हम से निकलेंगे और शुरू से लेकर इन तक बने रहे, सारा कुछ सारी चीज इन्फॉर्मेशन, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। कोई अच्छी चीज होगी उसमें तो जरूर आप लोग साथ कवर करेंगे, बने रहे इन तक। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुंचे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, चाय वाय पिया और बाहर इस तरह का नजारा था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो यहाँ कुछ स्टे करना था, फिर यहाँ से निकलना था। यहाँ बाइक से अर्शद भाई और शोएब भाई हमारे साथ थे, तो बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये गाड़ी का हाल देख सकते, बैग वैग इतना जबरदस्त गीला हो चुका था पूरा। फाइनली शुरू हो चुकी है चढ़ाई और ख़त्म है, मतलब इसका हालत देखो, इसका सर उठ नहीं रहा आपको। अभिषेक इस्माइल, इस्माइल का फर्स्ट ट्रैकिंग कैसा लगा इस्माइल? अशर भाई, हाँ हाँ, हमारे अशर भाई और हमारे एक और भाई है। हमारा लोकेशन मिल चुका है और फिलहाल तो ज़्यादा दूर चलना नहीं है, मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा मौसम खराब है, ज़्यादा चलना नहीं है। इधर काफ़ी खूबसूरत व्यू है, इधर का बहता हुआ पानी है। एक टेंट वहाँ, एक टेंट वहाँ और ये किचन का टेंट, और पीछे हाल देखो, जोसिम मुहा धो रहा, फ्रेश हो रहा है। और गाइस अगर हम अपना सामान दिखाना चाहे तो ओ हो, हम लोगों ने एक हफ्ते का सामान लाया है, देख सकते गाइस, सारा बिस्किट्स। ये भाई लोग गए हैं लकड़ी चुनने के लिए। ये हमारा टेंट है गाइस, देख सकते हैं, लाइट वाइट कुछ सामान वगैरह रखा हुआ अंदर। वहाँ किचन है, दूसरा टेंट है, इसके अंदर बिस्तर बिस्तर अच्छे से कर चुका हूँ। यहाँ लाइट है, आप लोग को ले चलते हैं हमारा किचन में, एग्रेशन उसको ठीक कर रहा है। सुनाना है पानी वहाँ से, साइड में। तो फाइनली हमारा गैस चल चुका है और चाय बनाने की तैयारी लग चुकी है, क्योंकि बहुत बहुत सर में दर्द हो रहा था। तो चाय वाय फटाफट बनकर तैयार है, ये बटर रोटी और चाय हम लोग खाएंगे फटाफट। और यहाँ इस्माइल ब्लॉगिंग करते हुए पीछे से आप लोग देख सकते हैं, तो फटाफट रोटी खाते, भूख बहुत जोर की लगी थी, और चाय का सिप लेते हैं। ओहो, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। और इसी तरह शाम हो चुकी थी, आग लगाना बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसी जगह पर है यहाँ तो ज़रूरी है, रोशनी के साथ साथ बहुत सारे केसेस में आग की ज़रूरत होती है। तो आग बड़ी मुश्किल के बाद लगाया, और उसके बाद यहाँ जोसिम खाना बनाते हुए देख सकते हैं, और ये लाइट वाइट जल रही है, और ये एक साइड आग जल रहा है, और यहाँ हम लोग अशरफ भाई के साथ चिकन धो रहे हैं, क्योंकि
बस खाना बनाने की तैयारी शुरू करनी है, शाम हो चुकी है, फिर और ज़्यादा लेट भी बनाना सही नहीं होगा। तो फटाफट चिकन धोते हैं और यहाँ से और बस निकलते हैं, और बहुत सारा काम है यार फटाफट। और ये जो है, ये जहाँ हम लोग फ्रिज के तौर पर काम करते हैं, यहाँ पर चिकन को सेफली रखना होता है और बिल्कुल सेफ होता है। इसको सुबह जब मॉर्निंग में दिखाऊंगा ये बिल्कुल बर्फ जमा होगा, ये सेफली रख चुके हैं अर्शद भाई। अब चलते हैं ऊपर और यहाँ देखते हैं ये चिकन विकन फ्राई होना शुरू हो चुका है। तो बस सब लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं, कोई चिकन बना रहा है तो कोई आग जला रहा है, कोई बर्तन वर्तन ये कर रहा है, कोई टेंट में ठीक कर रहा है। तो और एक तरफ चाय बन रहा है गाइस, देख सकते हैं आग जबरदस्त पकड़ चुकी थी, रात का वक्त हो चुका था, 10 बज रहा है और खाना फाइनली हमारा रेडी हो चुका है। जीरा राइस था और कुछ सैलेड कट कर रखा है और ये है चिकन बन के फाइनली जबरदस्त तैयार है। जबरदस्त गाइस, रात के बज रहे हैं 2 और हमारे कैंप का हाल देख सकते हैं। एक टेंट में सो रहे हैं हम इस्माइल और जोसिम, और दूसरे टेंट में सो रहे हैं अशर भाई और उनके एक दोस्त शुएब भाई। तो दिखाते हैं कैंप का हाल, ये हमारा छोटा सा कैंप है, टेंट है और इसमें देख सकते हैं आप लोग। बाय बाय, टेक केयर। ओहो अगर सच कहें तो ट्रेकिंग पे आना और सुबह उसका चाय पीना और भी इस बहते हुए पानी के किनारे एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही खूबसूरती होती है। खाना तैयार हो रहा गाइस, आलू बॉयल करने रखा है इसमें गोश्त। फाइनली हमें मिल गया हमारा दोस्त जो बहुत दिन से खोया था, मासूमियत। तो गाइज आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, चीज़ कह सकते हैं मतलब कैंपिंग का फ्रीज। यहाँ तो फ्रीज आएगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, नेटवर्क है नहीं, यहाँ खाने को कैसे सेफ रखते हैं, गोश्त को बाकी चीज़ों को कैसे सेफ रखते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को दिखाने वाले। तो बस 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 चलते हैं और दिखाते हैं वो। तो ये है हमारा एक्चुअल में फ्रीज, स्पेशल फ्रीज, वो जो कि एक्चुअल फ्रीज से भी ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है। यहाँ हमारे अशर भाई अपने काम पे लग गए हैं, पत्थर को निकालते हुए साइड से। काफ़ी मेहनत लगता है यार, बड़ा बड़ा पत्थर को उठाना ये अशर ही कर सकता है वल्ला, आराम से ये दही भी है। देख सकते हैं गाइस इतना ठंडा हो और फिर वैसे ही फिर उसको एज यूजुअल रख दिया जाएगा। इंशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। वहाँ जिसमें केला खाते हुए आग लग रही है, ये एक टेंट है हमारा, दूसरा टेंट वहाँ है, हमारा ट्राइपॉड लगा है। हमारा अशु भाई का जो हमें ले आते हैं इस जगह पे और काफ़ी हिम्मत, काफ़ी कॉपरेट करते हैं रात में। तो इस बारे में अशु भाई हमारे स्पेशल शेफ भी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी हालत ख़राब है, बंद कर। और हमारे जोशी भाई भी आज काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। छमिया को दिखा। और ये देखिए, ये काफी शर्मा लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस स्माइल जिसको भी काफी मजा। तो गाइज अब मिला मुझे काम हम लोगों को लकड़ी काट के लाने का, बाकी लोग लगे खाना वाना बनाने में अपने अपने काम में इसका यूज करेंगे। और ये सब एक्सपीरियंस तो किया नहीं है, बट एक दो बार कैंपिंग किया था तो थोड़ी किया था बट उतना अच्छे एक्सपीरियंस था नहीं। बट तो गाइस बारिश होना शुरू हो गई बाहर, देख सकते हैं।
गाइस फाइनली हमारा पराठा चाय और केचप तैयार है बिल्कुल इस खूबसूरत से नज़ारे के साइड में बैठकर, और यहाँ मैं खा रहा हूँ ना पराठा चाय। बाकी भी जबरदस्त है, अलग स्टर बनाना पड़ता है, एक दो घंटे लग जाते हैं, लेकिन बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है। कैंपिंग पे इतने अच्छे मौसम में चाय के साथ पराठा खाना एक अलग ही मजा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। सकते हैं नहीं यार, टेस्ट ऐसा नहीं है, टेस्ट में थोड़ा डिफरेंशिएट है। मैं कश्मीर से हूँ, पता है, लग रहा है कश्मीर से, हाँ तुमको लग रहा है, तुम बताओ सच सच, कश्मीर के हैं या बाहर के? कश्मीर के। तुम? कश्मीर के। लग रहा है फेस से? फेस से लग रहा है कश्मीर में। कुछ बात करो, हम बताते हैं उसका, बोलो कुछ। कश्मीर नहीं आती है पक्का? आप लोग क्या बोलते हो भाषा उर्दू के अलावा? उर्दू ही बोलते हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारा? फैजान। मेरा नाम मुदस्सिर। तो फाइनली गाइस निकल चुके हैं हम लोग, और काफ़ी मुश्किल होता है यार चढ़ना या जाना, जाना थोड़ा फिर भी आसान है लेकिन मुश्किल लग रहा है 15-20 केजी के सामान के लोड के साथ। तो आ गया दोस्तों, हो गया था ये, चलो ये रात को हमें पोर्ट्रेट करने के, यही एक जानवर। अब नया लोकेशन हमारा, यहाँ एक टेंट, यहाँ एक टेंट, यहाँ एक टेंट वहाँ, और बस खूबसूरत सा व्यू चारों साइड का व्यू देख सकते हैं, जबरदस्त। काफी दूर वहाँ से चढ़ाई करने के बाद से पहुंचे थे। तो दोस्तों इसी के साथ शाम हो चुकी थी, और यहाँ सिंगल चिकन को हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है, और यहाँ हम लोग अपने अपने काम पे लगे, शाम हो चुकी है और ये इसको रोस्ट करने के फाइनली तैयार कर दिया है। उसके बाद हमने चले फिशिंग करने के लिए, फिर रात का वक्त था और मछलियाँ थी, तो हमने सोचा फिशिंग करते हैं, यहाँ आटा वाटा तैयार कर रहे हैं आशा भाई के साथ अच्छे से। उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे, मछली अगर आती है तो ठीक है, वरना फिर क्या कर सकते, कोई नहीं। तो ये फाइनली हमारा फिशिंग तैयार हो चुका है, और यहाँ पानी के अंदर बहुत देर, काफ़ी देर वेट करने के बाद दूसरी लोकेशन चेंज किया, बहुत अलग अलग जगह गया बट मछलियां नहीं आ रही थी। खैर कोई नहीं, फिर हमने डिसाइड किया कि इसको एक जगह सेट करके उसको एक जगह अच्छे से साइड में एक जगह रख देते हैं, फिर मॉर्निंग में देखेंगे कुछ होता है या फिर नहीं होता है। फाइनली हमारा बनकर तैयार है, और अशर भाई ओह वाह। और फाइनली रात के हो जाए 12, मछलियाँ आई नहीं, तो खैर कोई नहीं, अब हमें खाना है। खाना यहाँ चिकन रोस्टेड है, चिकन है, सैलेड है, चावल है, तो चेक करते हैं इसका टेस्ट। हमें लग रहा है कि ये जल चुका है बट कोई नहीं, देखते हैं ट्राई करके। नहीं नहीं ये बचा है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट था, काफ़ी ज़बरदस्त देखने में लग रहा था, इसका टेस्ट ज़बरदस्त था। तो रात बज रहे हैं 12, और फिर हम लोग यहाँ बैठ कर खाना खाएंगे अच्छे से। तो फाइनली गाइज हमारा खाना वाना तैयार हो चुका है, जैसा कि मैंने दिखाया ऑलरेडी, ये हमारा जो फ्राइड चिकन था वो रोस्टेड चिकन सॉरी। तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट रहा आशर भाई के हाथ का। अच्छा वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त। तो इतनी मेहनत के बाद खाना बनाना और खाना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। तो आज के लिए चिकन नाइट। और जब काफ़ी बोर हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके थे हम लोग, तो हम लोगों ने सोचा कि बारबेक्यू प्लान करते हैं। आप रात के बजे थे 2:30, और लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी और डर भी था, बहुत ऐसी जगह पर थे यहाँ दूर तक कुछ भी नहीं, काफ़ी ऊंचाई पे। खैर कोई नहीं, तो बारबेक्यू प्लान किया और हमने फटाफट बस अपने काम में लग चुके हैं, और ये बारबेक्यू यहाँ
तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ये कोयले को आग लग चुकी है और बस हम लोग सारे लोग बाहर आए। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो खैर कोई नहीं, जो भी जुगाड़ के तौर पे बर्स तैयार कर रहे हैं फाइनली, और बारबेक्यू के ऊपर से घी डालने ताकि इसमें ज़बरदस्त टेस्ट आए। है कि एक्चुअल टेस्ट नहीं आ पाता है, बट कोई नहीं, कोशिश कर सकते हैं। और एक स्ट्रगल करके बनाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और रात में इस तरह से। तो बस तो गाइज, ये हमारा बारबेक्यू बन रहा है। ओ हो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त आशुतोष भाई द्वारा बनाया गया बारबेक्यू। आ हा हा, तो गाइस हमारा फाइनली बारबेक्यू बनकर तैयार है। अगर आपको दिख रहा होगा तो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और टेस्ट करते हैं, बताते हैं इसके अपनी अशरा लाइक के पीस के। तो ये पीस कुछ ऐसा है, और देखते हैं। वाकई में इतनी रात को कुछ कर बारबेक्यू बनाना खाना एक वाकई में अलग एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, हमारी मॉर्निंग सेकेंड मॉर्निंग हो चुकी है। तो बाहर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को गाइस। अच्छी बनी है चाय। तो बस यहाँ से निकलने की तैयारी है अब। जो ढाई तीन दिन लगभग हो चुका है, अब कितना ज़्यादा स्टे करना अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जितना लाइट वाइट सब डाउन हो चुका, पावर बैंक वगैरह सब कुछ डाउन हो चुका है, मतलब बैटरी वैटरी सब बहुत मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ। तो दैट्स ऑल, चलते हैं और इन तक बने रहना हमारे साथ। एक डेढ़ घंटा लगा चलने में, उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को फिट रखने के लिए क्योंकि पहुंचना है रूम तक। तो दोस्तों बस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, और अब निकल रहे हैं बस यहाँ से रूम की तरफ। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी तो बस थोड़ा सुकून मिल रहा है, आप निकलते हैं यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई को सपोर्ट करते रहना। फिर मैं आता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।